सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं मौली प्रॉपर्टी सर्च तो गुरमन बोल रहे हैं। आज थोड़े वास्ते एक नवी कोठी लेके आए हैं 125 गज की। इहदा साइज़ हैगा 25x45, 25x45 साइज़ हैगा। नॉर्थ फेसिंग है और सैक्टर 123 दे विच है, प्राइम लोकेशन दे विच है। प्रॉपर रहायश हैगी है, तुसीं देख सकते हो सारी कोठियाँ बनी हुई है और प्रॉपर रहायश हैगी है दोस्तों। तो कोठी बहुत ही अच्छी प्राइम लोकेशन च है, प्रॉपर सड़कां बनी हुई है, वाटर सीवरेज कनैक्शन पिया होया दोस्तों। तो दोस्तों जिमें कि आ घर बने हुए हैं, तुम देख सकते हो इस दे विच आ वाली कोठी हैगी है, 125 स्क्वेयर यार्ड है और 98 दी आस्किंग है। बैठ के घट्टो घट जो है नैगोशिएबल हो जूगा। तो दोस्तों एक इत्थे वड्डी कार लग जाती एक बाहर और एक कार अंदर लग जाती है। इत्थे हले कोठी का काम चल रहा, वध तो वध महीने का रह गया और एक इत्थे कार लग जूगी और एक आ जगह भी काफ़ी खुली हैगी है, तो दो तीन टू व्हीलरस लग जाते हैं। फ्रंट तुसी देख सकते हो प्रॉपर टाइलिंग वर्क हो चुके है, हाले शीशे लगने रहेंदे, पेंट वर्क रह गया, छोटे छोटे काम रहेंदे हैगे दोस्तों। और स्टेयर्स भी जिहड़ी हैगी डबल मोल्डिंग हैगी है और कंप्लीट 4 BHK है विद मोंटी है। हुण मैं कोठी नूं अंदर चल के दिखा दिंदा। इस जगह ते मिरर लगेगा, डिजाइनिंग मिरर लगेगा। जिवें आपां अंदर एंटर करदे हां दोस्तों, जिवें कि तुहानूं दिखाना चाहवांगा, प्रॉपर ड्राइंग रूम स्पेस हैगी है और एल शेप च विंडो आ जाती है। इत्थे थोड़ा आराम नाल यू ते एल शेप दे विच सोफा लग जूगा, जिवें कि तुहानूं दिखाना चाहवांगा। आ पार्टीशन बन रहा हैगा और हले पॉलिश छोटे छोटे काम सारे रहिंदे हैं। इत्थे एल ते यू शेप सोफा लग जाता है और क्योंकि इहदा फ्रंट 25 दा, इस करके चौड़ाई काफ़ी हैगी है कोठी दी। स्टैंडर्ड साइज़ हैगा और उत्थे जिथे कुर्सी पई है उत्थे 6-सीटर डाइनिंग टेबल लग जाता है और बड़ी तो बड़ी LED लग जाती है। दोस्तों इत्थे बैठ के मैं सोफे वाली जगह पर बैठता तो सामने बड़ी LED आराम नाल लग जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये आ गया अपना किचन और आ तुसीं देख सकते हो पार्टीशन दी ऑप्शन दी हुई है। आ छोटे जे बॉक्सिस दिते हुए, इहदे विच भी लाइटिंग्स आऊगी और जगह नूं यूटिलाइज़ किया हुआ है दोस्तों। आ टेबल बन जाएगा, इत्थे कोई समान रखना वह भी तुसीं रख सकते हो और बिच लाइटिंग्स की भी ऑप्शन उपर तक दी हुई है लाइट्स। तो दोस्तों आ डोर के पिछे भी पार्टीशन दी हुई है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ वुडन का, तुसीं देख सकते हो। कोठी का काम चल रहा है, अगर कोई दोस्त मेरा कोठी लेना चाहता है, ये बहुत ही अच्छी ऑपरचुनिटी है। एयरपोर्ट रोड के नाल है और रीजनेबल प्राइस ते हैगी है। जब बैठांगे घट्टो घट रेट हो जाएगा, 98 दी आस्किंग है और नैगोशिएबल है। वाइट ते ग्रे शेड दे विच किचन हैगी है, एल शेप दे विच। इत्थे थोड़ा बड़ा फ्रीजर लग जाएगा और प्रॉपर मॉडलर किचन है जो अजकल ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। दोस्तों हुण आपां पहला रूम देखते हैं। आ पहला रूम आ गया, आ सारी फॉल सीलिंग हुई हुई है, काफ़ी बड़ा रूम हैगा, रूम साइज़ काफ़ी बड़ा हैगा और अटैच वॉशरूम आ गया। वॉशरूम भी देख सकते हो टॉप तक जिहड़ी हैगी टाइलिंग हुई हुई है दोस्तों। आ सीगा पहला रूम, वॉलपेपर लगना रहिंदा हैगा हाले। आ पहला रूम हैगा दोस्तों और आ पिछले बेड़े नूं रास्ता जांदा है, आ पिछला टैरस आ जांदा, उत्थे वॉशिंग एरिया आ जांदा है। उपरों भी जिहड़ा हैगा ओपन हैगा दोस्तों। दोस्तों इत्थे मिरर लगेगा, ड्रेसिंग दी ऑप्शन हैगी है, नीचे बॉक्सिस दिते हुए है। मैं ड्रेसिंग दे अंदर भी दिखा दिंदा, बॉक्सिस दिते हुए है और हुण आपां सैकेंड रूम देखते हैं। सैकेंड रूम भी दिखा दिंदा। आ गया अपना सैकेंड रूम, सेम उपर सारी फॉल सीलिंग हुई हुई है और LED पैनल बनया हुआ, बड़ा फुल साइज LED पैनल है और अटैच वॉशरूम आ गया। वॉशरूम भी तुसीं देख सकते हो टॉप तक टाइलिंग हुई हुई है दोस्तों। तो दोस्तों इहदा रूम साइज़ काफ़ी बड़े हैगे है क्योंकि 25x45 साइज़ है, जिस करके रूम साइज़ काफ़ी खुले है, बैड लगन तो बाद भी जगह बचती है दोस्तों। वॉलपेपर सारे थोड़े जिहड़े हैगे मौके पर लगूंगे और ये हैगी अपनी जिहड़ा यूनिट तुहानूं मैं दिखा रहा, आ होगी अपनी सैकेंड रूम। तो दोस्तों नीचे जिवें आपां मेन एंट्रेंस तो एंटर करते हैं, यह आ गई अपनी मॉडलर किचन आ गई और यह आ गया अपना पहला रूम अटैच वॉशरूम एंड यह आ गया अपना सैकेंड रूम अटैच वॉशरूम और यह आ गई अपनी प्रॉपर ड्राइंग रूम स्पेस आ गई, तुसी देख सकते हो दोस्तों।
तो दोस्तों हम आप फर्स्ट फ्लोर तो चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर भी दिखा दिंदा। आ डबल मोल्डिंग स्टेयरस हैगी हैं, तुम देख सकते हो दोस्तों, सेम उपर तक जी है टाइलिंग्स लगी हुई है। दोस्तों तुम देख सकते हो उपर तक स्टेयर जा रही है। कल अगर सैकेंड फ्लोर बनाना थोड़ू यदि सीधा तुम ईजीली उपर बना सकते हो सैकेंड फ्लोर, क्योंकि टॉप माउंटी तक स्टेयरस जा रही हैं। दोस्तों हम आप फस्ट फ्लोर पर आ जाते हैं, सेम हले वुडवर्क चल रहा है, सेम पैटर्न हैगा, पार्टीशन नहीं हैगी, पार्टीशन नहीं हैगी, सेम एल ते यू शेप सोफा लगेगा। इतने सिक्स सीटर जिहड़ा हैगा तुहाडा डाइनिंग टेबल आ जाता है, और किचन दे विच भी बस पार्टीशन नहीं है, और किचन ऑलमोस्ट कलर सेम है, उपर सारी फॉल सीलिंग हुई हुई है, कलर पैटर्न सेम है, वाइट ते ग्रे शेड है, एल शेप किचन हैगी है, बट बोर साइड जी है पार्टीशन नहीं दी। आ जाता अपना थर्ड रूम, जिवें कि तुहानू दिखाना चाहवांगा। दोस्तों इस कोठी का मैक्सीमम टू मैक्सीमम एक महीने का काम रह गया है, एक महीने बाद कोठी जी है दिखन लग जूगी। अगर कोई मेरा दोस्त इंट्रस्टिड है 123 सैक्टर एयरपोर्ट रोड के विच, अगर वॉकिंग डिस अगर नीयर बाय कोठी लभ रहा है तो बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी हैगी है, और काफ़ी खुली भी हैगी है, 100 स्क्वेयर यार्ड तो बैटर हैगी है कोठी। आ है दोस्तों यदा थर्ड रूम, हुण आपां चलते हैं फोर्थ रूम च, फोर्थ रूम भी दिखा दिंदा। आ सेम फोर्थ रूम आ गया, रूम साइज सारे सेम है जो नीचे दिखाई सी मैं। आ दोस्तों फोर्थ रूम हैगा जिवें कि तुसीं देख सकते हो, और रूम साइज सारे सेम है जो आपां नीचे देखे सी, और ये LED पैनल बनया होया दोस्तों। आ फोर्थ वॉशरूम आ जाता, टॉप तक टाइलिंग्स हुई हुई है, सैनिटरी फिटिंग जी है मौके पर होगी, और ये चौथा रूम भी सेम ब्राउन कलर शेड बनया हुआ है, स्लाइडर कपबोर्ड्स बने हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर आ ड्राइंग रूम स्पेस आ गई सेम जो नीचे देखा अपने, आ किचन आ गई दोस्तों, आ थर्ड रूम अटैच वॉशरूम आ गया तुम देख सकते हो दोस्तों, और ये आ गया अपना फोर्थ रूम अटैच वॉशरूम। आ कोठी आ गई तुम देख सकते हो, और दोस्तों आ कोठी बहुत अच्छी लोकेशन दे विच है, और 125 स्क्वेयर यार्ड है। अगर इस कोठी बारे होर जानना चाहते हो मैनू जरूर कॉल करियो, मैनू सबसक्राइब लाइक जरूर करो, थोड़े सपोर्ट ते आशीर्वाद की लोड़ हैगी है दोस्तों। जे सबसक्राइब करोगे मेरे को बहुत सारी कोठीज़ की ऑप्शन अवेलेबल है, 60, 70, 80, 90, 1 CR, तो सबसक्राइब करके मेरी होर भी वीडियोज़ तुम देखियो। उम्मीद करता मेरी वीडियो थोड़ा पसंद आई होगी, आप फिर मिलते एक नवी वीडियो नाल। इस वीडियो में देखने लिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद जी।